सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में पठान मूवी की शाहरुख खान को ड्रॉ करने वाला हूँ। और इस ड्रॉइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर A4 साइज की ड्रॉइंग पेपर यूज कर रहा हूँ और ग्रीन मेथड से इस ड्रॉइंग को मैं करने वाला हूँ। तो चलो ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस फोटो के ऊपर ग्रीन लाइन्स को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रेड फॉर दी आर्टिस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को यूज किया हूँ, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगी। बट किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करना है उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और अभी ड्रॉइंग पेज के ऊपर ग्रीन लाइन्स को क्रिएट करने के लिए मैं ड्रॉइंग पेज की चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करूंगा, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और यहाँ पर 1 सेमी रह जाएगा, उसको वैसे ही छोड़ देना है। और अभी इसके नीचे भी सेम 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना है 20 सेमी तक। और अभी बाकी की दोनों साइड्स में भी सेम वैसा ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना है, बट इस बार लेंथ ज्यादा होने की वजह से 28 सेमी तक मार्क करना है। ओके, चार तरफ मार्क हो गई है। और अभी ऊपर और नीचे डॉट्स को इस तरीके से लाइंस में मैच करते जाना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी पेसर अप्लाई नहीं करना है, जितना हो सके कम से कम पेसर अप्लाई करके आप लोगों को लाइंस को ड्रॉ करना है। क्योंकि आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद जब आप लोग शेडिंग करोगे उससे पहले आप लोगों को इन लाइंस को इरेज भी करना है, तो इजिली इरेज हो जाए इस तरीके से आप लोगों को लाइंस को ड्रॉ करना है। ओके, इसके बाद आप लोग रिफरेंस फोटो में देखो कि ऊपर और लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग किया हुआ है। जिस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है सेम वैसे ही आप लोगों को अभी ड्राइंग पेज के ऊपर भी करना है। ओके, ड्राइंग पेज के ऊपर भी ग्रीन लाइंस पूरी तरीके से रेडी हो गई है। और अभी हमें ये फाइंड करना है कि कहाँ से हमें ड्राइंग को स्टार्ट करना है। लाइक मैं हर्बर्ट की तरह आई की इस कॉर्नर से मैं ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ऊपर से आप लोग देख सकते हो वो 4th नंबर बॉक्स पे, और नीचे से यानी साइड से आप लोग देख सकते हो वो 7th नंबर बॉक्स पे। और इसी चीज को हमें अभी ड्राइंग पेज के ऊपर भी फाइंड करना है। लाइक ऊपर से 1, 2, 3, 4 और नीचे से 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो यहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट करना है। और अभी बस रिफरेंस फोटो की ग्रिड और ड्राइंग पेज की ग्रिड इस तरीके से सेम साइज में रख लेना। इससे क्या होगा, आप लोग बहुत ही इजीली रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर पाओगे। तो बस इसी तरीके से कौन सी बॉक्स में आई है, कौन सी बॉक्स में नोज है, कौन सी बॉक्स में लिप्स है, आप लोगों को रिफरेंस फोटो में फाइंड करते जाना है और ड्रॉ करते जाना है। और इस वीडियो की लाइक्स की टारगेट में ऑन के रखता हूँ। ऑन के लाइक्स पूरे होने के बाद ही मैं इस ड्राइंग की स्टेप बाय स्टेप शेडिंग पार्ट्स लाऊंगा। तो वो चीज आप लोगों की ऊपर ही है, आप लोगों को शेडिंग पार्ट्स चाहिए कि नहीं। और अभी मैं किस तरीके से ड्रॉइंग कर रहा हूँ वो ड्रॉइंग करने के प्रोसेस को अच्छी तरीके से देखो, और आप लोग भी ड्रॉइंग को करने की ट्राई करो। एंजॉय द वीडियो। और हाँ, आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए जो भी ड्रॉइंग्स मेरे पास आई है यानी जो भी एंट्रीज आई है मेरे पास, वो सब मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं कुछ ड्रॉइंग्स को रिव्यू करूंगा एंड देन मैं रिजल्ट अनाउंसमेंट करूंगा। और उसके बाद कुछ ड्रॉइंग्स को मैं रिव्यू करूंगा एंड देन मैं रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दूंगा। सो फरवरी के मंथ में ही आर्ट कॉम्पिटिशन की सारे वीडियोस आ जाएगी। सो आज से कोई भी स्पैम मत करना, रिजल्ट कब आने वाला है ऐसा करके। ओके, चलो अभी एंजॉय करो वीडियो को।
सो आई होप गाइस आप लोगों को ये आउटलाइन ड्राइंग पसंद आई है और इसकी सेटिंग पर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियोस में चाहिए तो ऑन के लाइक्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आई होप मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।